अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में टेंसेस के बारे में सीखेंगे कि टेंसेस होते क्या हैं, इनकी कितनी फॉर्म्स हैं और इनके आगे से कितनी टाइप्स हैं। इस वीडियो में सारी टेंसेस की अच्छी तरह एक ब्रांच बनाई जाएगी और आपको सिखाया जाएगा। सो स्टार्ट। क्या आप सब भी इसी तरह सोचते हैं कि हम लोग जब एग्ज़ाम करेंगे तो हमारे पसीने छूट जाएंगे और हमें टेंसेस भूल जाएंगे, हमें इंग्लिश के वर्ड्स भूल जाएंगे, हमें सेंटेंस बनाना नहीं आएगा और इस चीज़ के लिए आप एक कमरे में अकेले बैठ जाते हैं और आप रट्टे लगाने लग जाते हैं और सारा दिन सिर्फ़ और सिर्फ बुक को पकड़ते हैं और टेंसेस के फॉर्मूलाज को याद करते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आप इधर उधर दूसरे बच्चों से चीटिंग करने का सोचते हैं, दूसरों से हेल्प मांगते हैं, लेकिन उनका भी दिमाग इसी तरह घूम रहा होता है। तो अब मैं आपको हेल्प करूँगी इस इंग्लिश को समझने में, इंग्लिश के सारे टेंसेस को अच्छी तरह समझने सीखने में, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम करें तो आपके पसीने ना छूटें बल्कि आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से समझा हो और जब आप एग्ज़ाम करें तो इजीली आप इसको फॉलो करें, इन रूल्स को, और इजीली आप अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज को बेटर कर सकते हैं। अक्सर लोग फजूल मेहनत करते हैं, रट्टे लगाते हैं और फिर वो ये कहते हैं व्हाट आई एम डूइंग, कि हम कर क्या रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं आप सबकी हेल्प करूँगी और आपको टेंसेस के बारे में सब कुछ बताऊँगी और उनके रूल्स को भी अच्छी तरह फॉलो करना सिखाऊँगी और उन रूल्स को याद करना भी। एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा सेंटेंस तब याद होता है जब आप नंबर वन टीचर से पढ़ रहे हो। सो मैंने भी बहुत अच्छे टीचर से स्टडी की है, इस वजह से मेरे पास काफ़ी नॉलेज है। सो आपको मैं स्टडी विद आमना में टेंसेस के बारे में फुल डिटेल में बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट। टेंस बेसिकली क्या होता है? टेंस सेंटेंस बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस फुल सेंटेंस होता है और टेंसेस स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होते हैं। और सेंटेंसेस बनाने के लिए टेंसेस के स्ट्रक्चर को लाजमी देखना पड़ता है। टेंसेस की फोर बेसिकली फॉर्म्स हैं, बट हम सबसे ज़्यादा थ्री फॉर्म्स की तरफ गौर करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट हाल, पास्ट गुजरा हुआ, फ्यूचर आने वाला। तो प्रेजेंट टेंस की, फ्यूचर की और पास्ट की आगे से चार चार नेक्स्ट टाइप्स होती हैं, फोर टाइप्स नेक्स्ट होती हैं। टोटल टेंसेस इस तरह कुल मिलाकर 12 बन जाते हैं। अब हम उन टेंसेस की टाइप्स को और टेंस को गौर से देखेंगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस हाल के जुमले को कहते हैं कि जो काम हम हाल में कर रहे हों। इसकी आगे से फोर टाइप्स आ जाती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट में हाल में किए जाने वाले तमाम काम को बयान किया जाता है, या आप इनके रूल्स देख रहे हैं, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह पास्ट है, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इनको आप ब्रांच की सूरत में याद करें या आपको नहीं भूलेंगे। और कंडीशनल टेंसेस मैं आपको एक अलहदा वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। इस तरह आपको क्लियर हो गया कि टेंसेस कितने हैं और उनकी टाइप्स कैसी हैं। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ, टेंसेस थ्री मेन, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, और उनकी आगे से टाइप्स हैं फोर, लाइक प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, हैव, सिंपल, परफेक्ट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। सो
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और टेंसेस की डिटेल्स जानने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियोस को लाजमी देखें और इसके लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चल सके। थैंक यू।